बहुत सारे बच्चे आते हैं, बड़े जोश में आते हैं सूद साहब। जैसे कोरोना के समय में पूरे देश भर से 1 लाख से भी ज्यादा विभिन्न जगह पर काम करने वाले यहाँ के प्रवासी बंधु लौट कर आए, उनमें बड़ा जोश था, क्योंकि बड़ा हुनर भी होता है। हमारे यहाँ उत्तराखंड के लोग जो भी बाहर जाते हैं, भले ही वो छोटी नौकरी करते हो, लेकिन उनकी विश्वसनीयता बहुत होती है वहां पर। किसी संस्थान में काम करते हैं तो वहां पर भी उनकी अलग पहचान होती है, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को ईमानदार माना जाता है, परिश्रमी माना जाता है, लगनशील माना जाता है, तो इस नाते उनकी पहचान होती है। अब आए बहुत लोग, उन्होंने कहा हम काम करेंगे यहाँ पर, हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी चलाई, नैनो योजना भी चलाई, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना पहले से चल रही है, आजीविका के क्षेत्र में तमाम सारे काम पहले से चल रहे हैं, अब भी चल रहे हैं। लेकिन वो जब सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद बैंकों में जाते हैं तो इतने रिजेक्शन होते हैं, ये फॉर्म गया रिजेक्ट, दूसरा फॉर्म गया रिजेक्ट, तो उनका जो है उत्साह ही ठंडा पड़ जाता है। वो जहां आसमान पर होते हैं बेचारे, सीधे जमीन पर आते हैं। तो इसलिए हम जो भी योजनाएं बनाए, हमको जरूर सोचना चाहिए। और यहां पर हमारी कोर टीम बैठी है, एक तरह से क्रीम बैठी है उत्तराखंड, तो हम सबके माध्यम से ये बात जानी चाहिए कि आप चीजों का सरलीकरण करना है, चीजों का समाधान करना है, पत्रावलियों का निस्तारण करना है। अब कई बार हम यहां तो सोचते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें शासन में सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ, संधु साहब भी सोचते होंगे, आप लोग भी सोचते हैं जो आगे बैठे हैं, लेकिन पता नहीं नीचे के लोग क्या कर रहे हैं। कई बार जब हम जिलों में जाते हैं तो उनकी शिकायत मिलती है, दूसरे इनपुट्स आते हैं, उसमें कहते हैं कि वो काम ही ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जब तक हम एक संस्कृति, एक कल्चर जब तक हम नहीं लाएंगे, तब तक जो है जो हमारी विज्ञान आधारित व्यवस्था है उस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वह भी कहीं ना कहीं उस पर स्पीड नहीं पकड़ेगी। इसलिए आप आज आए हैं तो मेरे लिए उद्गार निकल गए कि हमको जो है आप कैटालिस्ट के रूप में मिले हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ हमारे यहाँ पर डेयरी के क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए, दुग्ध मूल्य संवर्धन के लिए, कैटल ब्रीडिंग के लिए, इस दिशा में बहुत हम वहाँ पर काम कर सकते हैं, और इसकी लगातार समीक्षा हो, लगातार इस पर काम हो। बहुत सारे हमारे वहाँ पर संसाधन है, और उत्तराखंड में देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। जहाँ पर हमारे पास कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, फलों के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भगवान ने हमको प्राकृतिक संपदाएं, प्राकृतिक स्रोत न दिए हों। अब उनका मैं दोहन नहीं कहूंगा, क्योंकि दोहन तो